खाने के लिए बोल रहे, कहीं जगह लगाने का दुकान नहीं मिल रहा है, मतलब लोग काफी ज्यादा परेशान है। फॉलो करो, लाइक दो हमारे भाई को, ये मेले में अच्छी अच्छी चूड़ियां। भैया जी हम भी लेते पर किसे पहना है चूड़ी वाली पता नहीं कहा है अभी। कैमरा के सामने मैं कुछ और हूँ, सामने कुछ और नहीं, रियल लाइफ में भी ऐसा ही है। गाइस वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो आज हम दिखाएंगे आपको कलंजड़ी देवी का मेला, और अभी हम जा रहे हैं कलंजड़ी देवी की ओर हमीरपुर। देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये हमारा डीसी ऑफिस। तो इस बार जो हमें मेले में लेकर जा रहे हैं वो और कोई नहीं, हमारी चाची हैं। तो चाची देख रहे हैं आप, चाची ड्राइविंग कर रहे हैं और हम गाड़ी में। तो चाची के इस फास्ट ड्राइविंग के साथ हम NIT क्रॉस करने के बाद हम पहुंच जाते हैं कलंजड़ी देवी, और यहाँ पे फुल स्पीड पे NIT में। तो दोस्तों पहुँच गए हैं हम कलंजड़ी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेला यहाँ से स्टार्ट हो गया है। इतने ज़्यादा ट्रैफिक में चाची की पूरी ड्राइविंग काफ़ी सही तरीके से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पुलिस वाले भी यहाँ पे। ये कलंजड़ी देवी माता का मंदिर, और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है इस मेले में। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो भाई साहब सभी कैमरे की तरफ देख रहे हैं, और कुछ तो बच्चे हाय भी कर रहे हैं कैमरा में, कुछ को मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। चाची कैमरा के सामने मैं कुछ और हूँ, सामने कुछ और नहीं, रियल लाइफ में भी ऐसा ही है। अच्छा बच्चे तो आंटी को करते हैं बाय, और उसके बाद चलते हैं हम मेले में। तो आंटी जा रहे हैं। तो अभी मेले में मुझे सपोर्ट करने के लिए सभी दोस्त मेरा फ़ोन ले लेते हैं कि हम तेरा ब्लॉग शूट करेंगे, हम तेरा ब्लॉग शूट करेंगे। तो आगे देखते रहिएगा, क्योंकि मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं था, लेकिन फिर भी जो मेरा फ़ोन था मेरे दोस्तों के पास। देखो मेले का पहला रूल है कि पहली बारी में आपको सब कुछ नहीं खरीदना है, पहले आपको लोगों को देखना है कि लोग क्या पहन के आए हैं, कैसे माहौल बना हुआ है सारा। अपने दोस्तों से मिलो, अपने रिश्तेदारों से मिलो, गले लगो। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप जलेबी बन रही है, और मैं आपको बता दूँ कि हमारे यहाँ पर ऐसी प्रथा बन गई है कि अगर आप मेला देख के घर वापस आते हो तो आपको जलेबी पकौड़े साथ में लाने ही हैं। भैया को देख के मुझे वो वाली बात याद आ गई जो कि हम बचपन में 5 और 10 रुपए के चश्मे ख़रीदा करते थे। तो बारिश का माहौल भी बन गया है, और मुझे मेरे दोस्त और सारे मिलते जा रहे हैं। तो गाइस अभी हम, मैं और हमारी गैंग, बहुत बढ़िया। तो अभी हमारी गैंग देख सकते हैं आप चल पड़ी है मेले की तरफ, और ये हमारे भैया। तो जो मेले में मुझे सबसे अच्छी बात लगती है वो ये है कि यहाँ पे हर रिश्तेदार मिल जाता है हमें मेले में, और सबसे हम खुशी खुशी बात करते हैं, सारे दोस्त मिलते हैं एक ही जगह पे, हम सभी दोस्तों के साथ एक साथ मिल जाते हैं। तो मेले होते ही इसलिए हैं। Hey!
मेरे गांव के सभी लड़के अभी तक मेले में नहीं पहुंचे थे, तो तब तक हमने डिसाइड किया कि झूले वाली तरफ एक नज़र मार आते हैं। तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, फिर हमने ऐसा किया कि टिकट ले ली और जो जो यहाँ पे हमें रिश्तेदार मिले हमने उनसे भी बातें कर ली और फिर हम वापस हो गए। नमस्कार देवियो सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे साथ रोहित ब्लॉग, ये है टोबा जी और रोहित भाई और साथ में हनी अंशु अभी भी है। हेलो दोस्तों, और बात बता रही है मंदिर वो बात है ये मुझे अपनी बहनी है मंगी और हर बार की तरह हमारी VIP एंट्री एग्जिट वाले रास्ते से। अभिषेक और अखिल को पीछे नहीं मिल रही है क्योंकि ये दोनों लड़के नहीं हट रही हैं यहाँ से। और ये पत्नी कौन सा झूला है जहाँ पे हमारे लिए कुछ पकड़ने के लिए भी जगह नहीं है, बहुत बुरी हालत हो चुकी है। अभिषेक क्या कहना चाहते हैं इसमें? भाई दोबारा नहीं आ दोस्तों। मैं अभिषेक और हमारे साथ हैं सुनाम है शिवम चौहान। तो हम तीन जो हैं वो झूला तो उसमें हम अपना झूला झूलेंगे और आप देख सकते हैं और तो दोस्तों हमारा मन तो नहीं था झूला झूला छोटा था लेकिन ये भी यहाँ पे आप इस गुरु जी के साथ मिले हुए हैं। ये हमारे बेस्ट एंड बेस्ट फ्रेंड्स हैं और आज हम यहाँ पे जो कि हमारा लोकल कम्युनिटी का फेयर होता है फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है वो भी आप देख सकते हैं। ये रहा आपका लंजड़ी का मेला। सभी मेला वासियों से अनुरोध है जल्दी जल्दी मेले से चले जाए, यहाँ पे बारिश की संभावना हो सकती है। नितिन हेलो 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 हेलो, यहाँ पे गुब्बारे बेच रहा है। फ्री में नहीं लेकर जाना, बंदे को घाटा डाल रहा है इसको देख। ओए ये देख रहे पैसे दे, मैं करेगा पैसे दे, बेच रहे हैं यहाँ पे प्रॉफिट। अगला 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 बीस के दो, बीस के दो, बीस के दो। आदि यहाँ पे ये जिनका ट्राइपॉड है रोहित भाई, वो अपने रोहित भाई वहाँ पे खड़े हैं। गाइस ये रोहित वीरेंद्र जी ने टैटू बनवा लिया है। ये कौन सा जेब्रा क्रॉसिंग है? जेब्रा क्रॉसिंग डाइवर्जन है। ये हमारा कलंजड़ी माता जी का मंदिर है। इस मंदिर के बारे में ऐसी कथाएं हैं कि यहाँ पे ऋषि ने 7 दिनों तक अपने सिर पे घड़ा रख के घोर तपस्या की थी। ये सच्ची गल है ये? अच्छा। और भाई जी चूड़ियाँ बेचते हुए और हम इनका धन्यवाद करते हैं, इतने दूर से दूर प्रदेश से आए हुए हैं। और भैया जी कहाँ से हो आप? हैं जी
पटियाला से देखो हिमाचल में लाख की चूड़ियां, अच्छी अच्छी चूड़ियां। भैया जी हम भी लेते पर किसे पहना है चूड़ी वाली पता नहीं कहाँ है अभी। आप मेले में आए हो और बाजा खरीद के नहीं बजा रहे हो तो क्यों आए हो? समय में आप देख सकते हो कैसे हमारी प्राचीन संस्कृति को इन्होंने कायम करके रखा हुआ है। अंकल जी आपको धन्यवाद। आने वाली जनरेशन को इस चीज के बारे में नहीं पता कि कैसे चूल्हे पे जलेबियां पकाई जाती हैं। बहुत अच्छा लगा देख के ये। नवे नवे कंपनी आगे जाओगे ठगे जाओगे। पल में पूरे मेले की स्वाहा हो गई। अब सब रात का नजारा, रात एक ऐसी चीज है जब सब अपने घर को भागते हैं। कुछ पल बाद ये मेला भी गायब होने वाला है और यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी अपने अपने घर जा रहे हैं। घर जाने की तैयारी है अभी और जो मेले का फायदा उठा रहे हैं वो तो अभी असली है। अब मेले का फायदा छोड़ दिया, छोड़ दिया। बड़े भाऊ जी मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ। यहाँ पे लोग सब मेले लगाने के लिए आए हुए और बेचारे साहब भी काफी ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा। किसी का काम हुआ है, किसी का काम हुआ है। ये देखो बढ़िया, ये एंजॉय कर रहे हैं बड़े भाई। ये मतलब घूमने के लिए आए हुए, मतलब टेंशन तो हमारे दिल के अंदर होती है, परेशानी तो हमारे दिल के अंदर होती है, मतलब परेशान तो हमें भाऊ जी। हेलो गाइस, ये देखो ये मासूम बच्चे बैठे हुए कितने ज्यादा परेशान है। किसी का काम हुआ, किसी का काम नहीं हुआ, आज भी बहुत परेशान रहते हैं। जल्दी यहाँ से हटो। हटाने के लिए बोल रहे, कहीं जगह लगाने का दुकान नहीं मिल रहा है, मतलब लोग काफी ज्यादा परेशान है। हेलो गाइस, लाइक कमेंट फॉलो करके जाना है भाई। लाइक बड़े भाई, समुंदर के किनारे आबादी नहीं होती है, जिनसे प्यार होता है कभी उनसे शादी नहीं होती है। अरे भाई प्यार तो करना ना पड़ेगा ना मेरे भाई। जब कोई प्यार ही नहीं करेगा तो प्यार कैसे करोगे? यहाँ से हटो। कैसे लग रहे हम लोग? बहुत अच्छे। स्पीकर हम चलते हैं घर को, रही बाय बाय और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ये था हमारा कलंजड़ी देवी का मेला जो कि हमें आशीर्वाद लो और निकलो। बोलो जय महादेव, जय महादेव।